माय नेम इज़ स्वाति एंड वेलकम टू श्री ट्रैवल एंड फूड लाउंज। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं चंडीगढ़ ग्रैंड होटल के सामने खड़ी हूँ। येस एब्सोल्युटली, टुडे आई एम नॉट इन दिल्ली, आई एम इन चंडीगढ़। इसे आप कह सकते हैं कि मेरे लॉकडाउन का फर्स्ट ट्रैवल है और मैंने सोचा कि कैप्चर करना इसे बेहतरीन रहेगा। सो एक्चुअली द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आई चोज वॉज बाय फ्लाइट। सो आई टुक एन इंडिगो फ्लाइट टुडे टू कम टू चंडीगढ़। एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि फ्लाइट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं ये सोच सोच के डर रही थी कि कितना पैनिक होगा, कितना सिक्योरिटी चेक होगा, क्या होगा, कैसे मैनेज करेंगे, बट मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। बोर्डिंग पास मेरे मेल पर आ गया था, चेकिंग स्मूथली हो रही थी क्योंकि हम सब 2 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पर पहुँच गए थे। एंड सारे ही जितने भी सिक्योरिटी गार्ड या हमारे CRPF के जवान जो भी वहाँ सिक्योरिटी चेक पर थे, बहुत ही कोऑपरेटिव थे। कोई धक्का मुक्की नहीं, बहुत आसानी से काम हुआ एंड कोई ऐसी भीड़ भाड़ या जल्दबाजी नहीं थी। सो इट वॉज़ वेल प्लान। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पूरा ख्याल रखा जा रहा था और ये सब दिखाने के लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो कैप्चर की आपके लिए ऑफ माई फर्स्ट लॉकडाउन ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ ऑन 8 June 2020. So the video is for you. Thank you. हाँ जी, तो हमने एयरपोर्ट में एंट्री ले ली है। फ़िलहाल मैं गेट नंबर 5 और 6 को ढूंढ रही हूँ। एज़ पहले ही नोटिस लग चुका है कि इंडिगो या गो इंडिगो की जो भी फ्लाइट्स होंगी वो गेट नंबर 5 और 6 से ही जाएंगी। ओके, सो यस आई एम जस्ट अबाउट टू रीच देयर। आप देख रही है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कि नीचे मार्किंग्स भी लगी हुई हैं। ये येलो एंड ब्लैक मार्किंग्स जो आप देख रहे हैं, ये लगी हुई हैं। कुछ लोग तो डिस्टेंस फॉलो कर लेते हैं लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं समझते हैं। बट एनी हाउ, हम कोशिश करेंगे कि जो भी फ्लाइट पेन है, जो भी नीचे मार्किंग्स है, उसे फॉलो करें। एंड जैसे कि देखा आपने, मैंने बोर्डिंग पास ले लिया है, प्रिंटेड बोर्डिंग पास ले लिया है। आई एम नाउ मूविंग टूवर्ड्स डोमेस्टिक डिपार्चर्स। इतनी भीड़ नहीं थी, बट हाँ, ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने भी लोग मिलेंगे। एज़ यू नो, एवरीबडी हैज़ टू गो, दे हैव वर्क, उनको ट्रैवल करना ही करना है। सो देयर इज़ नो पॉइंट कि लोग नहीं होंगे। येस, जब ट्रेन्स प्लेन्स सब खुल गए हैं तो लोगों को अपने डेस्टिनेशन पे जाने की ज़रूरत पड़ी जाती है, चाहे वो अपना घर हो चाहे काम से हो। दिस इज़ द लाइन ऑफ डोमेस्टिक डिपार्चर गाइज। आप देखिए, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग है, मार्किंग्स हैं, लोग मार्किंग के हिसाब से खड़े हैं। फाइनली सिक्योरिटी चेक कम्प्लीट हो गया है एंड आई हैव टू सर्च फॉर गेट नंबर 55 एज़ चंडीगढ़ की फ़्लाइट वहीं से निकलेगी। सो फ़िलहाल तो मैं ये देख रही हूँ कि कैसे रास्ता जाएगा। एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट कि ये जो ब्रांड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, पूरा ये शॉपिंग मॉल एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लगता है। दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ हाई फाई वन। थोड़ी रौनक तो कम है ही, रेस्टोरेंट्स ओपन है, आप देख रहे हैं एयरपोर्ट पे भी फूड कोर्ट ओपन है, लेकिन वहाँ बैठ के खाने का कोई अरेंजमेंट नहीं है। सो इट्स लाइक येस, यू कैन टेक इट, यू कैन हैव इट ऑन द गो और यू कैन पैक इट। सो वी विल मूव अहेड। और बड़ा अच्छा लगता है, हाई डिज़ाइन का स्टॉल मुझे मिला। रेंज यहाँ पे बेस्ट है, जैसे कि आप प्रोडक्ट रेंज का ही है जो भी, बट प्राइस कभी भी वर्थ इट नहीं होता है। सो दैट इज़ व्हाट दैट इज़ वन थिंग दैट एक्चुअली ब्रिंग्स मी डाउन हियर, कि प्राइस से आपको हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जब भी आप एयरपोर्ट की बात करते हैं। तो अदरवाइज प्रोडक्ट आर द बेस्ट। सो आई एम ट्राइंग टू सर्च अगेन गेट नंबर 55 एज आई विल गो अहेड। आई जस्ट हैड अ लुक एट फैब इंडिया एंड अदर ब्रांड्स एंड येस ऑफकोर्स, हाउ कैन आई सी एंड हाउ कैन आई फॉरगेट वाइन सलार, दैट्स माई फेवरेट। आई एम जस्ट किडिंग, सॉरी। ओके, एंड ये 3 जवान भाई आर्मी के तो लग रहे थे, बट किस बटालियन के थे आई कुड नॉट डिफाइन, बट दे लुक वेरी क्यूट। सल्यूट टू देम एनी हाउ। ओके, सो आई विल जस्ट मेक माई वे थ्रू गेट नंबर 55 एंड आई विल कैच यू अप रियल सून देयर।
फ्रेंड्स जो भी दिल्ली एयरपोर्ट विज़िट कर चुके हैं या आते जाते रहते हैं वो जानते होंगे कि दिल्ली एयरपोर्ट बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। सो एक गेट से दूसरे गेट को सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देर आर एक्चुअली मोर देन 50 गेट्स, प्रिसाइसली स्पीकिंग शायद 67 गेट्स हैं। सो द बेस्ट थिंग आई थॉट इज़ ट्रैवलेटर्स कुड बी गुड हियर एंड आई ट्राई टू मेक द रिमेनिंग पार्ट इन फास्ट फॉरवर्ड सीरीज, बिकॉज सब कुछ मैं कवर करते करते तो मेरा पूरा एक घंटा चला जाता। एंड आई नो दैट योर टाइम इज़ ऑल्सो प्रेशियस। सो येस, इट इज़ एक्चुअली आई कैचिंग जो ये पूरा रूट है ट्रैवलेटर्स के साथ जो है, जो छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, कुछ डिज़ाइनर स्टॉल्स भी हैं एंड कुछ नॉर्मल स्टॉल्स भी हैं। बट एज आई सेड, यहाँ पे रेंज अच्छा मिलता है बट प्राइस अच्छा नहीं मिलता। सो फॉर विंडो शॉपिंग इट्स वेल बट नॉट अदरवाइज। एंड फाइनली दिस इज़ गेट नंबर 55 गाइज। आई एम एज यूजल वेटिंग फॉर माई फ्लाइट बोर्डिंग टाइम। इट वॉज बोर्डिंग टाइम वॉज 10:05 इन द मॉर्निंग। सो या एंड दिस इज़ मी फुली कवर्ड, एज यू कैन सी फेस कवर्ड, ग्लव्स, एवरी थिंग। बट यहीं तक नहीं था, इंडिगो फ्लाइट ने हमें फेस शील्ड भी दिया है। सो दैट वॉज ग्रेट। एंड येस इट्स टाइम फॉर बोर्डिंग नाउ। इट वॉज एग्जैक्ट 10:05 जब बोर्डिंग गेट्स खुल गए थे। हमारी प्रॉपर थर्मल चेकिंग हुई, हमें फेस शील्ड पहनाया गया एंड देन येस दे आस्क्ड अस टू गो थ्रू द ब्रिज, बिकॉज बस से ट्रैवल करने का आई थिंक ऑप्शन बेस्ट नहीं था। सो दे कनेक्टेड अस विद अ ब्रिज हियर। सो फ्रेंड्स दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।